नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से आप पिछले 1.5 महीने से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और इन दिनों में आप स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे। जिस तरह से बच्चों आप स्कूल को मिस करते हैं, उसी तरह से बच्चों हम सभी स्टाफ मेंबर्स भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई के काम में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, आपका पढ़ाई का काम निरंतर चलता रहे, इसलिए बच्चों आपकी ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो चुकी हैं। आपके टीचिंग का काम ऑनलाइन चल रहा है और आपके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं बच्चों। निरंतर आप जो है काम कर रहे हैं और टाइम टू टाइम हमें बता भी रहे हैं कि हमने इतना काम कर लिया है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आप स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ आपको समय समय पर मोटिवेट किया जाता है, उसी तरह से आज भी मैंने आपसे आपको मोटिवेट करने के लिए आपसे जुड़ने का प्रयास किया है। और आज बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताती हूं कि कर्म बड़ा है या भाग्य। संसार में बच्चों दो तरह के आदमी होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले, नेगेटिव थिंकिंग वाले। उन सब के बीच में हम भी रहते हैं और हमारे ऊपर दोनों तरह के लोगों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये सारी बातें जानना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि कर्म बड़ा होता है और कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य बड़ा होता है, लेकिन आप किसको बड़ा मानेंगे, कर्म को या भाग्य को? इस बात को बताने के लिए बच्चों मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूं, उसके बाद आप स्वयं ये जान जाएंगे कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। बच्चों, एक जंगल के दोनों तरफ दो राजा अपने अलग-अलग राज्यों में रहते थे और उस जंगल के बीच में एक ऋषि रहता था। दोनों राजा जब भी उनकी कोई समस्या होती तो अपनी समस्या के समाधान के लिए ऋषि के पास आते थे और दोनों ही राजा ऋषि की बातों को मानते थे, उनका अनुसरण करते थे। और उस जंगल के बीच में बच्चों एक नदी बहती थी और वह नदी उन दोनों राजाओं के राज्यों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत थी, तो इसलिए समय समय पर उन दोनों राजाओं के बीच में उस नदी के पानी को लेकर विवाद होता रहता था। ऐसे होते होते एक दिन समस्या इतनी बढ़ गई कि आपस में दोनों में युद्ध की नौबत आ गई। उस नदी के पानी के लिए दोनों युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब बारी बारी दोनों राजा उस ऋषि के पास गए और पूछने लगे कि क्या मैं युद्ध में जीतूंगा। दूसरे ने भी ऐसे ही जाकर पूछा। ऋषि ने अपनी सोच के अनुसार एक राजा को बताया कि आप युद्ध में जीतेंगे और एक राजा को कहा आप युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। दोनों राजा अपने अपने घर आ गए और जिस राजा को ऋषि ने ये कहा था कि आप युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, उस राजा ने मन में सोचा कि चाहे भले ही मैं युद्ध में हार जाऊं, लेकिन मैं अंत तक ये प्रयास नहीं छोड़ूंगा।
मैं अंत तक जीतने का प्रयास करूंगा, अंत तक जीतने की कोशिश करूंगा। और उसने अपनी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से शुरू कर दी। सारा कार्य अपनी देखरेख में किया, सभी सैनिकों को अच्छी तरह से समझाया और जो है युद्ध के लिए अच्छी तरह से तैयार हो गए कि चाहे भले ही हम युद्ध में हार जाएं, लेकिन हमने लोगों के सामने ये मिसाल पेश करनी है कि अंत तक हम जो है प्रयास करते रहे। दूसरी तरफ जिस राजा को ऋषि ने ये कहा था कि तुम युद्ध में जीतोगे, वो भाग्य पर भरोसा करने वाला था और उसने सोचा कि हम तो युद्ध में जीतेंगे ही, हमें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऋषि ने हमें बता ही दिया हम युद्ध में जीतेंगे। अब बच्चों वो दिन आ गया जब युद्ध शुरू हुआ, दोनों राजाओं की सेनाएं युद्ध भूमि में आ गई और युद्ध जो है वो शुरू हो गया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ बच्चों, तो दोनों राजा स्वयं आमने सामने थे। जिस राजा ने अच्छी तरह से तैयारी कर रखी थी, वो अपनी पूरी सेना के साथ परिश्रम से जो है युद्ध में कार्य कर रहे थे। और दूसरा राजा जो है वो क्योंकि अच्छी तैयारी के साथ वहां पर नहीं आए थे, तो उस समय उस राजा के जो राजा ये सोच के आया था कि हम जीतेंगे ही, उस राजा के घोड़े की नाल जो है वो टूट गई और एकदम से घोड़ा जो है वो गिर पड़ा। वो जैसे ही घोड़ा गिरा तो दूसरे राजा ने उस राजा को बंदी बना लिया। और अंत में बच्चों कौन जीता? वो राजा जीता जो पूरी तैयारी के साथ आया था और जिसको ऋषि ने कहा था कि आप युद्ध में नहीं जीत पाएंगे। फिर आप सोच सकते हैं बच्चों क्या हुआ कि दोनों ने एक साथ ऋषि से जाकर के पूछा कि आपने क्या कहा था। तो उस समय बच्चों ऋषि ने कहा कि मैंने जो कहा था उसके हिसाब से आप ये स्वयं देखो कि आपने क्या कार्य किया, किस तरह से कार्य किया। तो इस आधार पर बच्चों आपको ये पता लग गया होगा कि जो है भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है। इस आधार पर बच्चों ऋषि ने जो है ये बताया कि जो है भाग्य जो है वो क्या होता है, कर्मों का फल ही होता है। जैसे हम कर्म करते हैं बच्चों, जितना हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उतने ही बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाग्य क्या है? भाग्य जो है हमारे कर्मों का ही फल है, हमारे परिश्रम का ही फल है। जिस हिसाब से हम परिश्रम करते हैं उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। मेरा आपको ये समझाने का मतलब क्या था बच्चों कि आप जो है ये अच्छी तरह से समझ जाएं कि हम जितना भी परिश्रम करेंगे उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब आपका जो काम चल रहा है, अब आप घर पे हो, लेकिन बच्चों आप ये मत सोचना कि आपकी छुट्टियां हैं। ये वर्किंग डे है बच्चों, ये छुट्टियां नहीं हैं। ऑनलाइन टीचिंग के दौरान आपका जो भी काम हो रहा है वो आपने बहुत अच्छे से करना है, परिश्रम से करना है, मेहनत से करना है। हाँ, ये बात अलग है बच्चों कि अब आपको स्वयं जो है वो डबल जो है हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ेगा। जैसे कि आपको करवाया जाता है, हम फिर भी पूरी कोशिश जो है स्कूल की तरफ से आपके लिए ये रहती है कि आपके किसी भी काम में कमी ना रहे, लेकिन फिर भी बच्चों आपने अपनी तरफ से भी कोई कमी जो है नहीं छोड़नी है। मैं आशा करती हूँ कि आप घर पर रह करके अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे, अपने पेरेंट्स के कहे के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, बाहर नहीं घूमेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ ही बच्चों जो भी आप काम करते, देखो बच्चों मैं आपको एक बात और समझा देती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं बच्चों, चाहे वो रीडिंग का है, चाहे वो लर्न करने का है, चाहे वो राइटिंग का है,
कोई भी काम बच्चों ऐसा नहीं होता कि जो वो बेकार जाने का होता। आप सोचते हो कि ये करने का कोई फायदा नहीं, ऐसी बात नहीं है बच्चों। जैसे भी आप जो है रीडिंग करोगे, आपका उच्चारण अच्छा होगा, आप अच्छे से पढ़ोगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे बच्चे बच्चों आप लर्न करोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और जैसे ही आप राइटिंग का काम करेंगे, आपकी हैंडराइटिंग बढ़ेगी। और बच्चों पढ़ाई का काम तो इतना है कि जितना भी आप करो उतना ही कम है। तो इसलिए बच्चों आप पूरी ईमानदारी के साथ भाग्य पर भरोसा न करके अपने परिश्रम के बल पर, अपने कर्मों के आधार पर आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। मैं फिर दोबारा से आपसे यही आशा करती हूं कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने पेरेंट्स का कहना माने। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि सबसे पहले स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। कोरोना वायरस का ये जो समय चल रहा है, ये महामारी का जो ये समय चल रहा है बच्चों, ये सबके लिए बड़ा ही खतरनाक समय चल रहा है। और इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो आप जो है घर पर ही रहें और अपना निरंतर काम करते रहें। नमस्कार बच्चों।